हे नमस्कार दोस्तों दोस्तों आजकल बहुत से बजट ओरिएंटेड डिवाइस में हाइब्रिड सिम स्लॉट आ रहा है, जिसकी वजह से आप सिर्फ एक सिम कार्ड या फिर एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों सिम कार्ड लगाना चाहते हैं तो आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। तो ये बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन अब आ चुका है, जिससे आप दोनों सिम कार्ड उसके साथ साथ एक SD कार्ड भी लगा पाएंगे, वो भी अपने सिर्फ हाइब्रिड सिम स्लॉट में। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ एक डिवाइस परचेज करना है और जिसकी कीमत सिर्फ 150 से 200 रुपये के बीच है। तो ये है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट सोल्यूशन। ये एक सिम अडेप्टर है जिससे आप एक एक्स्ट्रा सिम लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस डिवाइस के एंड पे एक सिम स्लॉट है जिसमें आप सिम इंसर्ट कर सकते हैं अपनी। दूसरी साइड आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी सिम ट्रे के साथ। तो देखने में ये डिवाइस काफी छोटा है, काफी फ्लेक्सिबल है, तो इसकी मदद से आप अपनी एक ही हाइब्रिड सिम ट्रे में माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं और दो सिम कार्ड्स भी लगा सकते हैं। तो ओवरऑल प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। अपनी सिम ट्रे को निकालिए। सिम ट्रे को निकालने के बाद आप कुछ इस तरीके से अपने जो मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड है उसे इंसर्ट करके रखते होंगे अपने हाइब्रिड सिम स्लॉट में। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको नॉर्मली जो अपनी सिम ट्रे है उसमें नॉर्मली सबसे पहले तो अपनी सिम इंसर्ट कर देनी है सिम स्लॉट 1 में। तो वहाँ पे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो सिम स्लॉट 2 है, जो हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसमें आप माइक्रो SD कार्ड या फिर सिम कार्ड लगा सकते हैं, उसमें आपको अडेप्टर लगाना है पहले। तो अडेप्टर लगा लीजिए पहले, बिल्कुल सिम लगाते हैं उसी तरीके से आपको अडेप्टर लगाना है। लगाने में थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि अडेप्टर बहुत पतला सा है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है और काफ़ी डेलिकेट है। तो इसे लगा लीजिए। लगाने के बाद उसके ऊपर माइक्रो SD कार्ड लगा लीजिए और ओवरऑल जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ये सेटअप बिल्कुल कंप्लीट है और इसको आपको अब क्या करना, अब आपको इसे वापस अपने फोन के सिम स्लॉट में डाल देना है। तो सिम ट्रे को वापस सिम स्लॉट में डाल दीजिए। तो डालने के बाद अब आप देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरीके का खाली अडेप्टर बाहर निकला हुआ रह गया है। अब इस खाली अडेप्टर में आप अपनी दूसरी सिम इंसर्ट कर दीजिए, जो भी आप चलाना चाहते हैं अपने डिवाइस में। तो सिम इंसर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा और अब आप देख सकते हैं आपके फ़ोन में दोनों सिम डिटेक्ट हो गई हैं, साथ ही में आपका जो माइक्रो SD कार्ड है वो भी डिटेक्ट हो गया है। तो मैं यहाँ पे दोनों जियो की सिम चला रहा हूँ और उसके साथ एक 16 GB का मेमोरी कार्ड लगा रखा है मैंने अपने डिवाइस में। तो तीनों ही चीज़ काफ़ी अच्छे से चल रही हैं। बट अब आप देख सकते हैं काफ़ी अजीब सा लग रहा है क्योंकि जो अडेप्टर है वो बाहर निकला हुआ है और ये टूट भी सकता है आपकी पॉकेट में। तो इसे आप अपने मोबाइल केस या कवर से छुपा सकते हैं, कवर कर सकते हैं और ये एक परमानेंट सोल्यूशन बन जाएगा, जिससे और आपको देखने में भी परेशानी नहीं होगी और वो हमेशा लटकता नहीं रहेगा बाहर और उससे जो आपका काम है वो बन जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा, हमने एक छोटे से सिम अडेप्टर से जो कि सिर्फ 150 से 200 रुपये का आता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके परचेज करिए और अपनी हाइब्रिड सिम स्लॉट की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए।